ये मैं भाजपा युवा मोर्चा बांदा का मेरा नाम देवेश कुमार मुर्मू है, जिला मंत्री हूँ भाजपा युवा मोर्चा बांदा से। पीड़ित दिव्यांग श्री राम प्रजापति पुत्र भोला प्रसाद प्रजापति निवासी ग्राम अतराहाट विधानसभा तिनवारी बांदा का निवासी है और पीड़ित के पिता भोला प्रसाद प्रजापति व पूर्व प्रधान श्री राम यादव ग्राम अतराहाट के द्वारा पीड़ित को बराबर लगातार मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था जब और एवं उसकी माँ बेटे दोनों को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था और दोनों को बराबर जान से मारने का बराबर प्रयास किया जा रहा था। पीड़ित ने इसकी सूचना पपरेंदा चौकी इंचार्ज सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी को दी लेकिन चौकी इंचार्ज पपरेंदा ने उनकी बात किसी तरह की कोई बात नहीं सुनी एवं उल्टा ही उनको गाली गलौज एवं धक्के मार करके बाहर भगा दिया। जब पीड़ित बराबर लगातार अपना न्याय पाने के लिए चटकारियों को अवगत कराता रहा। पीड़ित बराबर लगातार अपना न्याय पाने के लिए चटकारियों को अवगत कराता रहा पर किसी भी शासन व प्रशासन के अधिकारी ने इनकी जब कोई सुनवाई नहीं की तो मजबूर होकर के पीड़ित ने दिनांक 15/10/2019 से अशोक लाट परिसर में आमरण अनशन का सहारा लिया और आज दिनांक 18/10/2020 है, पीड़ित के अनशन का चौथा दिन है। पीड़ित लगातार 4 दिन से अशोक लाट परिसर के नीचे भूखा प्यासा आमरण अनशन के लिए मजबूर है लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अभी तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने उसको न्याय दिलाना तो बहुत दूर की बात, अभी तक उसकी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं ली जिसके विरोध में आज मैं भाजपा युवा मोर्चा बांदा की टीम और एवं अन्य अपने युवा साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आया था लेकिन चूंकि जिलाधिकारी महोदय इस समय यहाँ पर मिले नहीं, एडीएम साहब से मुलाकात हुई लेकिन एडीएम साहब ने हमें न्याय का आश्वासन देना तो बहुत दूर, उल्टा ही हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बोला तुम्हारे जैसे नेता बहुत आते हैं न्याय मिलता रहेगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। हमारी सरकार की मंशा व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह से सरकारी अफसरों को फरमान सुनाया जाता है कि पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाया जाए, वो किसी भी थाने का या कचहरी का कहीं का भी मामला हो पीड़ित के साथ तत्काल मदद की जाए लेकिन यहाँ बांदा जिला प्रशासन हमारी भाजपा सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है। यहाँ पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा, अशोक लाल परिसर जैसे स्थानों में वह जिला प्रशासन की नाक के नीचे पीड़ित यहाँ 4-4 दिन से भूखे प्यासे आमरण अनशन के लिए मजबूर हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की पीड़ित लोगों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस तरह के जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। ठीक।